गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी सकट। आज है सकट का त्यौहार और ये व्लॉग 2-3 दिन बाद आ रहा है, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिले चल रहा है, सो उसके लिए सॉरी। एंड अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। जैसा कि आपको पता है, मेरे घर पे सुबह पूजा करके कहानी करके चाय फलहारी खा लेते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे अपने लिए मूँगफली और मखाना फ्राई कर रही हूँ। मम्मी के घर में ऐसा नहीं होता है, मेरे घर पर होता है। तो मैंने चाय और थोड़ा सा ये तल लिया है, चलिए मैं इसको खाती हूँ और मिलती हूँ आपसे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए लाइफ सेवर का काम किया है और मैं चाहती हूँ वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डॉक्टर फुट का एंटी फंगल ऑर्डर फाइटिंग स्प्रे पाउडर, जो कि आपको 24 घंटे तक प्रोटेक्शन देता है, आपके पैरों को ऑर्डर नहीं देता है। देखा होगा आपने, जनरली जब आप कहीं बाहर जाते हैं बहुत टाइम तक, आप अगर सॉक्स या फिर शू पहनते हैं तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, जो कि काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। सो उससे निजात पाने के लिए ये प्रोडक्ट आप यूज करें, आप वापस आकर के मुझे थैंक यू बोलेंगे और बोलेंगे कि श्वेता आपने मेरे को बहुत अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट किया। सो इसको आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ओके गाइस, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके पैरों से गंदी बदबू आ रही होती है या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। दैट्स वेयर डॉक्टर फुट कम्स इन, जिसको यूज करके हम फंगल इन्फेक्शन साथ ही साथ ऑर्डर से भी बच सकते हैं। डॉक्टर फुट का ये जो पाउडर स्प्रे है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल एंड एंटी फाइब्रोमिल इंग्रेडिएंट हैं, जो कि आपके बैक्टीरिया को और आपके फंगस को किल करने में हेल्प करता है और फंगस होने से बचाता है। एंड एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि इसमें एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस है, क्योंकि इसमें है सैंडलवुड, जिससे कि आपके जो पैर हैं उनमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। एंड गाइज, अगर इसके प्राइस की बात करें तो सिर्फ 275 रुपीज का है। मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये आपके स्वेट को भी अब्सॉर्ब करता है। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वीगन है, क्रुएलिटी फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट टेस्टेड है एंड सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या फिर ड्राई स्किन है तो भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें है नीम पाउडर एक्सट्रैक्ट, सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट, मेंथा ऑयल, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको किस तरह से यूज करना है। तो यूज करने से पहले आपको इसको अच्छे से एक बार शेक कर लेना होगा। शेक करने के बाद आपको अपने पैरों पे इसको सिंपली स्प्रे करना होगा। एंड इस तरह से स्प्रे करते हुए आप अपने पूरे पैरों पे इसको अप्लाई कर लेंगे और ये आपके पैरों में अच्छे से एब्जॉर्व हो जाएगा। एक्सेस जो मॉइस्चर होगा वो भी इसको ये एब्जॉर्व कर लेगा। एंड उसके बाद जो आपके पैरों में बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन होता है उससे ये आपको प्रिवेंट करेगा। ओके गाइस, तो देखा ना कितना मजेदार प्रोडक्ट था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज है सकट का त्यौहार। लास्ट टाइम मैं थी मेरठ में, तो मम्मी के साथ किया था, सासू माँ के साथ। आज मम्मी है यहाँ पे साथ में, तो आज मम्मी के साथ करेंगे। पहली बार मैं कर रही हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम तो लास्ट टाइम ही उठाया था। और मैंने पूजा कर ली है, आप जैसा कि अगर आपको याद होगा तो लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था हमारे यहाँ की सकट माता की कहानी सुनी जाती है, वो मैंने किया। मम्मी के यहाँ नहीं होता है सुबह, मतलब वो रात में पूजा होती है, वो लोग कुछ नहीं खाते पीते हैं, हम लोग के यहाँ तो चाय पूजा करने के बाद पी ली जाती है। वो हो गया है और अभी मम्मी अपना शाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। पापा गए हैं नीचे कुछ काम से और पीहू तो स्कूल में है। और अभी 12:30 बज रहे हैं, ये देखिए यहाँ 12:30 बज रहे हैं और अभी किचन में बनना स्टार्ट होने वाला है कुछ कुछ चीज़ें, जो जो जैसे जैसे प्रिपरेशन होती है सकट की वो दिखाती हूँ कि मम्मी के यहाँ कैसे होता है। मेरे यहाँ का तो लास्ट टाइम आपने देखा था और पक्का खाना बनता है हमारे यहाँ पे, तो वो मैं शाम को बनाऊँगी पक्का खाना, पूड़ी सब्जी रायता और ये सारी चीज़ें। और तिल के लड्डू बनते हैं, तो तिल के लड्डू भी मम्मी बनाएंगी, तो वो उसी में ही मैं, तिल तो चटकाना होता है, वो मैंने चटका दिया है। गुड़ के लड्डू बनाएंगी मम्मी तिल लड्डू के, तिल और गुड़ के लड्डू, तो वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। इधर है मम्मी किचन में, चलो चलते हैं। हेलो मम्मी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, हैप्पी सकट। सेम टू यू, थैंक यू। हाँ, सब लोग आपको भी थैंक यू बोलेंगे, सभी लोगों को सकट की बहुत बहुत बधाइयाँ। कल सबने आपको वीडियो में नमस्ते किया, आंटी जी को नमस्ते करिए, नमस्ते करिए, सभी को नमस्कार। क्या कर रही हैं आप? आज मेरा व्रत है तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नहीं है, हम दोनों का ही है। तो मम्मी यहाँ शकरकंद रख रही हैं। हमारा व्रत है। हाँ, नहीं है, नहीं है इसका। शाम को पूजा होगी चंद्रमा करके। हाँ, मम्मी के यहाँ चंद्रमा देख के किया जाता है, हमारे यहाँ तारे देख के कर लेते हैं, तो हम तो तारा देख के पूजा कर लेंगे। लोगों के यहाँ चंद्रमा देख के पूजा। कल आपने देखा था चंद्रमा कितने बजे निकला था?
नहीं हम भी भूल गए, आज सुबह जब नीचे वॉक कर रहे थे तो देखा चंद्रमा सुबह भी दिख रहा था, तो अभी आज कितने बजे निकलेगा वो तो देखा जाएगा कब निकलता है चंद्रमा। पे रख दिया गया है शकरकंद और इधर ड्राई फ्रूट कट हो रहे हैं। तो सुबह मैंने कहानी जब करी ना तो सफ़ेद तिल ले करके और फिर पूजा करनी होती है, कहानी सुनी जाती है, तो वो मैंने सफ़ेद तिल हाथ में ले करके और फिर कहानी सुनी। अभी इधर अपना ये ड्राई फ्रूट कटिंग क्या बनाएंगी? इसका गुड़ डाल के मेवे का लड्डू बनाएंगे। अच्छा अच्छा तो लड्डू बनेगा। तो बस यहाँ पे जो भी पूजा में सामान लगता है वो बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गोंद यहाँ पे मम्मी फ्राई कर रही हैं और वो जो लड्डू होते हैं ना गुड़ वाले सोठ वगैरह डाल के, मम्मी ने कहा इसी बहाने तुम्हें खाने को भी हो जाएगा, सो वही यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही हैं गुड़ के लड्डू वगैरह बनाने के लिए। ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगी इस तरह से, जैसे लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था वही पूरी रेसिपी मम्मी बना रही हैं, मम्मी से पूछ के ही मैंने बनाया था, तो इसी तरह मम्मी बनाती हैं जिस तरह मैंने बना के आपको दिखाया था। अभी यहाँ पे गुड़ डाल करके इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे जिससे कि शाइनिंग वगैरह रहती है, और ये सोठ डाल रही हैं, सोठ तो बहुत फ़ायदा करता है ना ठंडियों में इसीलिए, और मुझे भी फ़ायदा करेगा, मैं इसी बहाने खा लूँगी इसको। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ अभी मम्मी मिक्स कर दे रही हैं, फिर उसको इसको गरम गरम ही बांधा जाता है, वो सब बंद गया था। उसके बाद यहाँ पे रामदाने के लड्डू बना रही हैं। रामदाने को आप लोग और क्या क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे ससुराल में कुछ और कहते हैं रामदाने को, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा। हमको तो याद नहीं आ रहा है, व्यूवर्स बताएंगे किस नाम से जाना है। ये रहता है इस तरह का रामदाना, अब बताइए आप लोग इसको और क्या बोलते हैं। ओके गाइस, तो मैं नीचे आ गई हूँ पीहू को लेने के लिए एंड मम्मी पापा ऊपर हैं, अभी थोड़ी देर वॉक करूँगी 10-15 मिनट। नीचे वीडियो बनाना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, अजीब ही लगता है, अकेले हूँ यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, धूप है लेकिन मौसम ठीक रहता है मुंबई में। तो अभी शाम हो गई है और यहाँ पे खीर बनने की भी तैयारी हो रही है। ये सारा व्रत में फलहार ही खाया जाता है, मम्मी लोग अन्न नहीं खाती हैं, मेरे यहाँ तो अन्न खाया जाता है ना, तो यहाँ पे अभी रामदाने को बांधने की तैयारी चल रही है लड्डू को। उस समय सिर्फ भून के मम्मी ने रख दिया था क्योंकि फिर मैं नीचे चली गई थी, पीहू आई फिर उसको मैंने नाश्ता वगैरह दिया, तो अभी ये शाम को डायरेक्ट फिर करना स्टार्ट की थी मम्मी, तो अभी ये लड्डू बनाएंगी और इधर खीर भी बन रही है और इधर ये रामदाने के लड्डू भी बन रहे हैं। इसको भी गरम गरम बांधा जाता है, बहुत गरम रहता है, मतलब हाथ तो एकदम रेड हो जाते हैं बांधते बांधते। तो ये देखिए अब इसको इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अब यहाँ पे मम्मी ने इसको बांधना भी शुरू कर दिया है। तो लड्डू बनाने के बाद अभी यहाँ पे सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी बना रहे हैं, लपसी क्या बोलते हैं उसे, सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी समझ लीजिए। और इधर खीर तो पकी रही है, तो इसको सिंघाड़े के आटे को भून लिया, फिर उसमें पानी डाल के शुगर वगैरह डाल के और फिर इसके जम जाएगा, अभी देखिएगा बर्फ़ी की तरह बन जाएगा। पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया कि नहीं लास्ट में जब बन गया था, बट इस तरह से बनता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। और अभी शाम हो गई है, मुझे तारा तो दिख गया है, हाँ तारा दिख रहा है मुझे, अभी तो किचन से भी दिख रहा है। और अब बस यहाँ पे सब्जी मैंने बना ली है, पूरी जा रही हूँ मैं सेकने के लिए, हाँ तारा निकल आया, और बस फिर गाय की पूरी निकाल करके और अर्घ दे करके फिर हम खाना खा सकते हैं। तो चलो, और इधर सारी तैयारी हो गई है मम्मी की पूजा की भी, अभी मम्मी भी तैयार होंगी। चंद्रमा निकलने में थोड़ा टाइम है क्योंकि चंद्रमा 8:30 तक तो निकल आएगा यहाँ पे, तो चलो फटाफट ये भी कर लें। तो मैंने गाय की ये पूरी तो निकाल ली है, मम्मी को पूजा करने में अभी टाइम है, चलो मैं पूछ देती हूँ और जल डाल देती हूँ। तो तारा निकल आया है, मैंने तारा देख करके भगवान जी की पूजा करना स्टार्ट कर दिया, आरती करूँगी और जो मैंने खाना बनाया है ना पूड़ी सब्जी रायता वो मैं पूज दूँगी, और वो गाय के लिए निकाला जाता है। तो ये देखिए जल मैंने लिया है, अब मैं इसको पूज करके फिर जल को तारे को अर्घ दे दूँगी और बस यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। जिनको पुत्र देते निर्धन को माया।
और अभी मैंने वही ड्रेस पहना है जो मम्मी लेकर के आई थी ना, नया सूट था, तो मैंने सोचा चलो पूजा के टाइम नया ही पहन लेते हैं। और ये वही अपनी करवा चौथ वाली चुंदरी डाल रखी है, तो अभी जब मम्मी पूजा करेंगी तब देखिएगा, मम्मी का पूजा का बहुत अच्छे से पूरा सेटअप रहता है, वो सारा चीज़ भोग लगाया जाता है ना इसीलिए। तो अब बस मेरी यहाँ पे आरती हो चुकी है। जय बोलो संकटा माता की जय। बंद कर दे। ओके गाइस, तो मेरी पूजा हो गई है और अब बस मेरे तो खाने का टाइम भी हो गया, अभी तो चांद नहीं निकला। और ये वही वाला सूट है जो आपने देखा था कि मम्मी ने दिया था मेरे को लेकर के आई थी जो, और ये चुनरी मैंने रेड डाल ली थी पूजा की वजह से। तो चलो अभी खाते हैं खाना। यहाँ पे मेरी जो ये व्रत की थाली है वो तैयार है, आलू टमाटर की सब्जी, पापड़, तिल के लड्डू, कचौड़ी एंड चटनी। चलो अपने व्रत को खोलते हैं और खाना खाते हैं। तो ये देखिए मम्मी आ गई हैं पूजा करने के लिए। चाँद निकलने से थोड़ी देर पहले पूजा कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद चाँद का वेट करते हैं जैसे करवा चौथ में होता है, बिल्कुल वैसे ही ये व्रत भी होता है मम्मी का। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ लगा दिया है जो जो घर पर मम्मी ने बनाया था, और यहाँ ना तिलकुट भी रखा है। देखिए एक आपको प्लेट में दिख रहा होगा बड़ा सा गुड़ रखा हुआ है, तो उसमें क्या था ना, काले तिल और गुड़ को पहले पीस करके मिलाया, वो तिलकुट बोलते हैं उसको। मुझे एक कॉमेंट भी आया था कि ये क्या है, मेरी फ्रेंड ने पूछा था, मैंने स्टेटस पर फ़ोटो लगाया तो मैंने इसीलिए आप लोग को बताया। आप लोग तरह की पूजा करते हैं क्या? करते ही होंगे, यूपी के जो लोग भी होंगे ना उनके ऐसे ही पूजा होती है। फिर मैंने मम्मी के साथ बैठ करके एक बार फिर से कथा सुन ली थी, कहानी करने में पूजा करने में क्या प्रॉब्लम है। मैं खा पी चुकी हूँ बट फिर भी मैंने यहाँ बैठ करके पूजा करी। अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि धन क्या करेंगे, जब पोता ही नहीं है तो पहले पोता ही मांग लीजिए। तो ये मैं कहानी सुना रही थी, मैंने बचपन से अपने घर में गणेश भगवान की ये वाली कहानी सुनी है कि एक बुढ़िया होती है ना जिसकी आंखें नहीं होती हैं, तो वही वाली कहानी मैं बोल रही थी, याद है मुझे। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं, फिर मम्मी चाँद देखने जाएंगे। आज चाँद मम्मी ने कैसे देखा ना, वो बड़ा ही फनी हो गया। अभी आपको ले कर चलते हैं ऊपर छत पर जाएंगे हम लोग, तो चलिए आरती कर लेते हैं। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महा। ओके गाइस, तो मेरी पूजा हो गई है एंड मैंने खाना भी खा लिया है। आपने देखा था अभी मम्मी ने पूजा तो कर लिया है, मैंने चेंज भी कर लिया, बट अभी मम्मी को चांद नहीं दिखा है। चांद देख करके मम्मी लोग खाती हैं, सो जाती हूँ छत पे देख करके आती हूँ कि चांद निकला है कि नहीं। तो अभी तक चंद्रमा ही नहीं आया, पिछली बार उधर पानी निकल चुकी। अच्छा हाँ। अब बताओ बम्बई में नहीं निकला? यहाँ तो आधे घंटे बाद निकलता है ना वैसे। देखो भाई चांद देखने के लिए कहाँ चढ़ रही है मम्मी। हटो पीओ, पीछे से हटो बेटा, एक और ऊपर। ज्यादा ऊपर जा रही है अभी। दिख गए पैरों के नीचे साड़ी है। हाँ बेटा दिख गए। तो जल दो जल की लुटिया। जल की लुटिया। देखो जहाँ कहाँ चढ़ के मम्मी ने दर्शन किए हैं आज चंद्रमा के, ऊपर से दिख रहा था। आज का तो चांद भाई पड़ा है। लो लो यहीं से डाल दीजिएगा जल। तो देखा आपने चांद नहीं दिख रहा था, तो वर्मा जी ऊपर चढ़ के देखे तो दो बिल्डिंगों के बीच में कहीं पे दिख गया था। मैंने तो नहीं देखा चढ़ के, लेकिन इन्होंने देखा तो दिख गया था। फिर मम्मी ने भी ऊपर चढ़कर ही दर्शन किए थे, वरना अभी आधा घंटा और लगता ऊपर आने में। तो यहाँ पे ये मम्मी देखिए अर्घ दे रही हैं, लट लेकर के, बालों की लट ले करके दिया जाता है, ऐसा होता है मम्मी के मतलब मेरे मायके में।
तो यहाँ पूजा मम्मी की पूरी होती है, नीचे चलेंगे डिनर वगैरह करेंगे। एंड आई होप आज के व्लॉग को आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ा फनी मोमेंट भी था बट ओवरऑल अच्छा लगा। साथ में मम्मी के साथ पूजा करी मैंने और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं फिनिश कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।